इक्वेशन को हमने कहा था कि जो लीस्ट पावर होती है उसको लेट करना होता है किसी एक वेरिएबल में. अब इधर पावर तो कोई नहीं है, आप इक्वेशन को पहले अंडरस्टैंड कर लें. एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री हमारे पास ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है. सेकंड आप देखें एक्स माइनस थ्री बाय एक्स, सिर्फ एक्स को चेक करना है. एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री यानी न्यूमिनेटर ऊपर है, ये वाला डिनोमिनेटर है. अगले में हमने चेक किया तो डिनोमिनेटर ये ऊपर वाला बन गया और न्यूमिनेटर ये नहीं. हमारे पास जो इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन उसकी क्या बन गया, रेसिप्रोकल. इक्वेशन वही है बस उसके रेसिप्रोकल हो गए. अब मैं लेट करती हूँ इसी को ही एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल वाई. ठीक है, अब मैं इसका इन्वर्स लूंगी एक्स माइनस थ्री बाय एक्स इज इक्वल वन बाय वाई. ठीक है, ये जब इसका इन्वर्स आएगा तो ये अब उलट जाएगी, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाता है नीचे चल जाता है. अब मैं इसको इक्वेशन वन का नेम दे लेती हूँ, हमने इसको कर देना इक्वेशन वन में पुट करना है. एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री को क्या लेट किया है वाई, प्लस फोर एक्स बाय एक्स माइनस थ्री बाय एक्स को लेट किया है वन बाय वाई इज इक्वल फोर. ठीक है, अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर आते हैं. वाई को हमने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स पे, वाई क्योंकि जो डिनोमिनेटर में था उसको खत्म करना था, उसको खत्म करने के लिए सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं. प्लस वाई मल्टीप्लाई फोर बाय वाई, वाई मल्टीप्लाई फोर, वाई स्क्वेयर प्लस वाई वाई से कैंसिल, फोर इज इक्वल फोर वाई. इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको भी सेट पे ले आती हूँ, माइनस फोर वाई प्लस फोर. ठीक है, इसके अब हम इसको करेंगे फैक्टराइजेशन. माइनस टू वाई प्लस फोर इज इक्वल जीरो, वाई इंटू वाई माइनस टू माइनस टू वाई माइनस टू, ये सिंपल फैक्टराइजेशन की हुई है. ठीक है, वाई माइनस टू इज इक्वल जीरो, वाई माइनस टू इज इक्वल जीरो क्योंकि हमने तो वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी. वाई माइनस टू इज इक्वल जीरो, वाई इज इक्वल टू, ये दरअसल एक ही रिपीट हो रहा है इसलिए आप एक दफा ही फाइंड कर लें. ऊपर हमने वाई की वैल्यू लेट किया हुआ था एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल वाई, हमें इसके अंदर पुट करूंगी. ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख लेती हूँ. बैक सब्स्टिट्यूशन में हमने एक्स ओवर जब भी वाई की वैल्यू आई हमने दोबारा जो लेट किया था उसके अंदर पुट करनी. ठीक है, एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल वाई, एक्स ओवर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी टू. ठीक है, ये फ्रैक्शन है इसको मैं फ्रैक्शन बना दे. इक्वल का साइन तो हम क्या यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. एक्स वन द एक्स, टू एक्स माइनस टू थ्री द सिक्स, एक्स माइनस टू एक्स ये इधर आ जाएगा, एक्स वाले सारे एक साइड पे कर लिए, कॉन्स्टेंट मैंने एक साइड पे कर लिए. ठीक है, हमारे पास है माइनस एक्स इज इक्वल माइनस सिक्स, माइनस माइनस से कैंसिल, एक्स इज इक्वल सिक्स. दूसरे पे भी करेंगे तो सिक्स ही आंसर आएगा, इसलिए जस्ट हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, ओनली सिक्स आंसर.